सर, वेरी गुड। तो एक प्यारी सी हेडिंग डाल लीजिए। हाँ लो ऑफ डिमांड, क्या हेडिंग डाली बच्चे? लो ऑफ डिमांड। सर लो ऑफ डिमांड क्या होता है? लो ऑफ डिमांड एक ऐसा लो है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन बताता है, जो बताता है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड का क्या होता है और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड का क्या होता है। ये हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन बताता है, मगर सब्जेक्ट टू सम एजम्पशन। पहले मैं बताता हूँ डेफिनेशन क्या है, पहले आप लिखिए, पहले आप मेरे साथ लिखेंगे फिर हम समझेंगे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अब पहली लाइन ही आप कहेंगे ये क्या है, 2 मिनट बाद बताऊंगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड When the price decreases, quantity demand increases, right? अब समझिए बच्चों, ये other things being equal जो है ना, ये तो है assumption। कि हमें assume करना है अदर थिंग्स, अदर थिंग्स मतलब एजम्पशन में बता, एजम्पशन का मतलब है यहां पर प्राइस जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, अपने प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स शैल रिमेन कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस, अपने प्राइस को छोड़कर किसी और फैक्टर में कोई चेंज ना हो। एग्जाम्पल प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें चेंज ना हो। इनकम ऑफ कंज्यूमर में चेंज ना हो, पॉपुलेशन में चेंज ना हो, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में चेंज ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज ना हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज ना हो, क्लाइमेट फैशन एटसेट्रा में चेंज ना हो। मतलब जो हमें ना चेंज वो निकालना है जो प्राइस की वजह से आता है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करता है, तो बाकी किसी फैक्टर में कोई चेंज आ गया तो फिर वो तो वहां पर स्टडी हो जाएगा, फिर हम खाली प्राइस को कैसे स्टडी करेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें खाली प्राइस का रिलेशन बताना है। किसका रिलेशन बताना है? प्राइस का, कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या रिलेशन है। और उसमें भी देखिए, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है,
प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। ये देखिए, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, मगर प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। दिस एंटायर कंसेप्ट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। इस सभी बातों को, पूरे कंसेप्ट को लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। एक बार लिखिए, इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लीजिए, प्राइस क्वांटिटी। जब प्राइस 1 था, क्वांटिटी 5 थी, प्राइस 5 हो गया, क्वांटिटी कम हो गई, मतलब प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई। यही तो इन्वर्स रिलेशन है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाती है। आपने जब इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश की, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। इसका डायग्राम बनाएंगे, चलिए। दिस इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स डिमांड कर्व। देख पा रहे हैं ये, यानी कि यहां पर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली जो एग्जाम में आती है। शेप ऑफ डिमांड कर्व जो होती है वो यूजली क्या होती है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। चलिए, कोई दिक्कत हो बताएं। ऑल्दो अभी हम इसकी आपको एक्सेप्शन भी बताएंगे कि कौन कौन से केस हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, वो सारी चीजें, बट अभी के लिए यही समझिए कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशन है। प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। बच्चों, यहां तक कोई इशू हो तो प्लीज बताएं, प्लीज बताएंगे कोई इशू है, नहीं तो नोट्स लिखकर भेजेंगे, क्योंकि मैं और ज्यादा जाता नहीं आगे जाना। यस विधि, चलिए बाकी भी बता दे बच्चे एक बारी, क्योंकि आगे टॉपिक है एक्सेप्शन का और रीजन का, वो आज पूरा नहीं हो पाएगा, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, राइट। तो बाकी आज का टॉपिक बच्चों यहां पर होता है समाप्त।